गत रोज जन्माष्टमी के पावन पर्व के मद्देनजर सूरत के अड़ाजन पाल विस्तार में श्री जलाराम स्टेट एजेंसी ग्रुप के सदस्यों द्वारा खिचड़ी और बूंदी गांठिया प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सूरत के अड़ाजन पाल विस्तार में श्री जलाराम एस्टेट एजेंसी ग्रुप के सदस्यों द्वारा गोविंदा मंडलों के लिए इस तरह के प्रसादी वितरण के कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करीब 5 से 6 हजार गोविंदा मंडलों ने खिचड़ी और बूंदी गांठिये का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जलाराम एस्टेट एजेंसी के सभी सदस्यों ने खड़े पैर रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा पूरा सहयोग दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। छेल्ला 5 वर्ष थी अमे जलाराम बापानी आसीम कृपा अने दया थी खिचड़ी अने बूंदी गाठियानु आयोजन करीए छे अने फराळी माटे फराळी चेवड़ो अने फराळी वस्तुनु बधुं आयोजन करीए छे अने जलाराम बापानी एवी इच्छा छे के वर्षोथी वीरपुरनी अंदर एक पण रुपियो लीधा वगर प्रसादीनुं आयोजन छे एवी अमारी पण एवी इच्छा छे के बापानुं नाम बहु आगळ वधे अने एमनी आसीम कृपा दयाथी अमे भी धीमे धीमे आना करता पण वधारे मोटो प्रोग्राम करी शकीए एवुं अमारी श्री जलाराम एस्टेट एजेंसी तरफथी अने बधा शैलेशभाई ठक्कर सुरेशभाई सुनीलभाई बधाना साथ सहकारथी अमे आ बधुं आयोजन करीए छीए। અમે તૈયારીમાં અમે 2 દિવસ પહેલા તૈયારી કરીએ છીએ, આમ તો અઠવાડિયાથી તૈયારી કરીએ છીએ પણ છેલ્લા 2 દિવસથી તૈયારી કરીએ છીએ અને બધાનો સાથ સહકાર બહુ સારો છે એટલે અમને તૈયારીમાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી, બધું ગ્રુપ બહુ સ્ટ્રોંગ છે અમારું એટલે એ લોકો ખડા પગે ઉભા રહે છે સવારથી સાંજ સુધી 2 દિવસથી। સુરત શહેરના તમામ પ્રજાજનોને આજે જન્માષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। અમારા અડાજણ વિસ્તારની અંદર जलाराम एस्टेट ग्रुप द्वारा एलपी सवारी सर्कल पर आज गोविंदाओं ने भक्तजनों माते प्रसादी आयोजन करवामां आवेलुं छे। आ कार्यक्रम में दर वर्षे जन्माष्टमीना दिवसे जलाराम एस्टेट ग्रुप द्वारा करवामां आवे छे अने आ 5મું વર્ષ छे एमनुं, 5મા વર્ષ प्रवेश करे छे तो ए लोकोने खूब खूब अभिनंदन कि आवो कार्यक्रम दर वर्षे तमे करता रहो અને ભાવિક ભક્તોને એનો લાભ મળતો રહી। આ એક ધાર્મિક કાર્ય છે એટલે એ લોકોને ખૂબ અભિનંદન અને આજની જન્માષ્ટમી સુરત શહેર માટે ખૂબ ફળદાયી નીવડે એવી શુભકામનાઓ ફરીથી। રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ સુરત।